उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन परिचय इस क्लास में हम लेकर आए हैं। इस क्लास में हम प्रेमचंद का जीवन परिचय, उनकी संपूर्ण रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका योगदान पर चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो देखने से पहले आप भारती विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं एक से बढ़कर एक हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊं, तो आपके पास वह वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम सभी मिलकर आज पढ़ते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद की माता आनंदी देवी थी और इनके पिता मुंशी अजायब राय थे। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी थी और पुत्र अमृत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम क्या होता है मित्रों? तो मूल नाम होता है किसी भी व्यक्ति का असली नाम। तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इस स्लाइड में देखेंगे प्रेमचंद से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। पहला है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है, यानी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और कथा सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, ऊपर की स्लाइड में हम आपको बता चुके हैं। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन सी थी? तो प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1908 ईस्वी है। सोजे वतन में कुल 5 कहानियाँ थी। सोजे वतन में कुल 5 कहानियाँ थी। प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है, यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी कौन थी? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी और यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज है। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज है। सप्त सरोज में 7 कहानियाँ हैं, यानी सप्त सरोज 7 कहानियों का संग्रह है। सप्त सरोज 7 कहानियों का संग्रह है। नमक का दारोगा सप्त सरोज में संकलित है। नमक का दारोगा इनका प्रसिद्ध कहानी है, यह किसमें संकलित है? तो सप्त सरोज में संकलित है। आगे, प्रथम हिंदी कहानी परीक्षा 1914 में सप्त सरोज में ही छपी थी, यानी इनका प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज है, जिसमें इनका प्रथम कहानी परीक्षा, जिसकी रचना काल 1914 है, जो सप्त सरोज में छपी थी। तो मित्रों, कह सकते हैं कि इनका प्रथम उर्दू कहानी
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है और प्रथम हिंदी कहानी परीक्षा है। आगे इनका अंतिम कहानी यानी हिंदी कहानी क्रिकेट मैच है जो मान सरोवर में छपी थी। इनका अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है यानी इनका प्रथम हिंदी कहानी परीक्षा है और अंतिम हिंदी कहानी क्रिकेट मैच है। ये क्या में छपी थी? तो मान सरोवर में छपी थी। मान सरोवर प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मान सरोवर प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मान सरोवर में कुल 8 भाग हैं। मान सरोवर में कुल कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं। कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, वरदान प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन? कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, वरदान प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास हैं। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी इनके क्या हैं? प्रमुख नाटक हैं। मित्रों एक बार फिर से देख लीजिए, प्रेमचंद का पहला उर्दू कहानी कौन था? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन थी? तो सोजे वतन। उसी प्रकार प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी संग्रह कौन थी? तो सप्त सरोज। और प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन थी? तो परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह को। तो पहला इनका कहानी संग्रह है, ऐसे मित्रों इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है। कौन सा है? सोजे वतन है, जो उर्दू का कहानी संग्रह है। इसमें 5 कहानियां हैं। सोजे वतन में कितनी कहानियां हैं? तो 5 कहानियां हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में नीचे चला गया है, परंतु प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह जो है वह उर्दू भाषा में है, वह है सोजे वतन। इसमें कितनी कहानियां थी? तो 5 कहानियां थी। इनका दूसरा कहानी संग्रह सप्त सरोज था, जो प्रकाशन जिसका हुआ था 1917 में। इसमें 7 कहानियां थी। कितनी कहानियां? तो 7 कहानियां थी। बड़े घर की बेटी, सौत, सजनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश और परीक्षा। कौन कौन? बड़े घर की बेटी, सौत, सजनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश और परीक्षा। परीक्षा इनका क्या है? तो प्रथम हिंदी कहानी है। इनका अगला कहानी संग्रह है नवनिधि। कौन सा है? नवनिधि। नवनिधि में 9 कहानियां हैं। नवनिधि जो है 9 कहानियों का संग्रह है। उसके बाद इनका एक और कहानी संग्रह है समर यात्रा। समर यात्रा में 11 कहानियां हैं। समर यात्रा में कितनी कहानियां हैं? तो 11 कहानियां हैं। इनका अंतिम कहानी संग्रह और सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है मान सरोवर है। मान सरोवर 8 भागों में प्रकाशित है। यानी मान सरोवर कितने भागों में थी? 8 भागों में थी, और प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह थी। एक बार फिर से देख लेंगे इनकी सभी कहानी संग्रह, सप्त सरोज, नवनिधि, समर यात्रा, सोजे वतन, मान सरोवर। सप्त सरोज में 7 कहानियां संकलित है, नवनिधि में 9 कहानियां संकलित है, समर यात्रा में 11 कहानियां संकलित हैं, सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं, और सोजे वतन इनका क्या है? तो उर्दू की कहानी संग्रह है। और मान सरोवर में इनकी बाकी सभी कहानियां संग्रहित हैं, और मान सरोवर 8 भागों में प्रकाशित है। मित्रों प्रेमचंद से जुड़े हुए इतना बेहतरीन वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इस वीडियो में प्रेमचंद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। अगर प्रेमचंद से किसी भी परीक्षा में अगर प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है। अब यहाँ देखते हैं प्रेमचंद द्वारा संपादित कुछ पत्रिकाएँ। कौन कौन पत्रिकाएँ हैं जो प्रेमचंद द्वारा संपादित हैं?
यहाँ देखिए मर्यादा कौन सा है, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, ये चार महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी जिनका संपादन प्रेमचंद ने किए थे। कौन कौन एक बार फिर से देख लीजिए, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। मित्रों अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी चैनल का लिंक फॉरवर्ड करें ताकि वे भी हिंदी साहित्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों को देखेंगे। ऐसे इनका सभी उपन्यास को हम लेकर आए हैं। इनका पहला उपन्यास था सेवा सदन। क्या था? सेवा सदन। इनका पहला उपन्यास था सेवा सदन, जिसका रचना काल 1918 है। और इस उपन्यास की जो मूल समस्या थी, यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। सेवा सदन स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। यह वेश्यावृत्ति की समस्या पर भी केंद्रित उपन्यास है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या है, तो वह उपन्यास है सेवा सदन। याद रख लेना, इससे प्रश्न आ चुके हैं कि प्रेमचंद की वह कौन सी उपन्यास है जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या है या वेश्यावृत्ति से केंद्रित उपन्यास है, तो वह है सेवा सदन। इसमें सांप्रदायिक विद्वेष की भी समस्या है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक विद्वेष की भी समस्या है। आगे यह उपन्यास जो है वह बाजार ये हुस्न, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, यह उपन्यास बाजार ये हुस्न के नाम से उर्दू में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की उपन्यास सेवा सदन जो है वह बाजार ये हुस्न के नाम से सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, फिर हिंदी में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुई। अब इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वे कौन कौन हैं, तो सुमन, कृष्णचंद, गंगाजली, ये क्या हैं, तो सेवा सदन उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसमें जो सेवा सदन से जो प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो वेश्यावृत्ति से संबंधित है, तो वह कौन सा उपन्यास है, तो वह उपन्यास है सेवा सदन। याद रख लेना, इससे यह प्रश्न कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इनका दूसरा उपन्यास को देखते हैं। मित्रों बहुत ही कम समय में प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को आपके सामने लेकर आए हैं और निश्चित है कि जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं इनके उपन्यासों से जुड़े हुए तो यहीं से आते हैं। इनका अगला उपन्यास है वरदान। कौन सा है? वरदान। वरदान का जो रचना काल है वह कितना है, तो 1921 है। अब इस उपन्यास की जो मूल समस्या है, यह प्रेमी जीवन से जुड़ी समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। और इसमें दो प्रेमियों की दुखांत कथा है। यह जो वरदान की जो मूल समस्या है वह प्रेमी जीवन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए, इसके जो प्रमुख पात्र हैं कौन कौन हैं, तो सुदामा, वीरजन, कमलाचरण, माधवी और प्रताप हैं जो वरदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इनका अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम। कौन सा उपन्यास है? प्रेमाश्रम। इसकी मूल समस्या क्या है, तो इस उपन्यास की मूल समस्या है भारतीय ग्रामीण जीवन के संघर्ष का चित्रण, यानी प्रेमाश्रम में भारतीय ग्रामीण जीवन के संघर्ष का चित्रण है। यह किसान जीवन पर लिखा गया इनका प्रथम उपन्यास है। याद रखिएगा, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास जो किसान जीवन पर लिखा गया है वह है प्रेमाश्रम। ऐसी इनका किसान जीवन पर जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह कौन सा है, तो वह गोदान है। परंतु प्रेमाश्रम जो है वह इनका किसान जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास है। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख पात्र
मनोहर, बलराज, प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर, गायत्री, गौस खां और कादिर हैं। इस उपन्यास में मनोहर और बलराज किसान के प्रतिनिधि हैं, यानी किसान हैं, और प्रेम शंकर और ज्ञान शंकर क्या हैं, तो जमींदार हैं। आगे यह उर्दू में गोसाए आफियत, याद रखना, यह उर्दू में गोसाए आफियत के नाम से प्रकाशित हुई थी, यानी प्रेमाश्रम उर्दू में गोसाए आफियत के नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है रंगभूमि। कौन सा? रंगभूमि, जिसका रचना काल 1925 है। इस उपन्यास की मूल समस्या है, इस उपन्यास में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो अंधा सूरदास, भैरव, जगधर, सुभागी इत्यादि। ऐसी इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है यानी नायक है, वह कौन है? अंधा सूरदास है। कौन है? अंधा सूरदास है, जो अंधा होने के बावजूद भी अपने जीवन में संघर्ष करता है। इस उपन्यास में अंधा सूरदास की झोपड़ी को जला दिया जाता है, फिर भी वह अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है और फिर से वह यह आशा करता है कि वह फिर से झोपड़ी बनाएगा। क्या करेगा? फिर से झोपड़ी बनाएगा। यानी यह जो उपन्यास है, इनका बहुत ही प्रमुख उपन्यास है, जो अन्याय के विरुद्ध का संघर्ष इसमें चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है कायाकल्प। कौन सा है? कायाकल्प। इसकी मूल समस्या क्या है? तो यह दाम्पत्य जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं यशोदा नंदन, महमूद, चक्रधर, ब्रजधर। ये क्या हैं? तो कायाकल्प उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद का अगला उपन्यास है, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, अब परीक्षा में निर्मला से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। निर्मला रचना काल 1927 और निर्मला उपन्यास की जो मूल समस्या है, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की मूल समस्या। यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें अनमेल विवाह की समस्या है, यानी दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या है? तो वह उपन्यास है निर्मला। कौन सा है? निर्मला है। कहीं कहीं दहेज प्रथा अनमेल विवाह दोनों मिलेगा और कहीं कहीं प्रश्न में अनमेल विवाह आएगा। तो प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें अनमेल विवाह की समस्या है या दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह की समस्या है? तो वह है निर्मला। कौन सा है? निर्मला। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो निर्मला, तोताराम जो एक मुंशी है, मनसाराम, जियाराम। यहाँ देखिए, निर्मला जो है, जिसका विवाह तोताराम से होता है, और तोताराम जो है निर्मला के पिता के उम्र के बराबर है, परंतु दहेज प्रथा के कारण यानी निर्मला के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका विवाह तोताराम से होता है, क्योंकि निर्मला का विवाह कहीं और तय हुआ रहता है, परंतु अचानक उनके पिताजी के मृत्यु के बाद निर्मला को विवश होकर तोताराम से विवाह करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मनसाराम और जियाराम ये क्या हैं? तो ये तोताराम के पुत्र हैं, यानी तोताराम की जो पहली पत्नी थी, जिनकी मृत्यु हुई थी, उन्हीं के ये क्या थे? पुत्र थे। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है प्रतिज्ञा। क्या है? प्रतिज्ञा, जिसका रचना काल है 1929। इस उपन्यास की मूल समस्या क्या है? तो भारतीय समाज में विधवा की समस्या का चित्रण इस प्रतिज्ञा उपन्यास में किया गया है। यह उर्दू में बेवा नाम से, किस नाम से? बेवा नाम से प्रकाशित हो चुका है। और इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं, सुमित्रा, प्रेमा और कमला प्रसाद हैं। कौन सा है? सुमित्रा, प्रेमा और कमला प्रसाद हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे मित्रों? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास जिसमें विधवा की समस्या का चित्रण किया गया है? तो वह उपन्यास है प्रतिज्ञा। कौन सा है?
प्रतिज्ञा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास जो उर्दू में बेवा नाम से प्रकाशित हो चुका है, वह है प्रतिज्ञा। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद का अगला उपन्यास है कर्मभूमि और इनका यह प्रसिद्ध उपन्यास भी है। इसके रचना काल 1932 ईस्वी है। इस उपन्यास की मूल समस्या क्या है, तो इसमें समाज में छुआछूत की समस्या, यानी इस उपन्यास में बताया गया है, यानी इस उपन्यास में समाज में छुआछूत की जो समस्या थी उसका भी इसमें चित्रण किया गया है, और ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। यानी इस कर्मभूमि उपन्यास की जो मूल समस्या है कि समाज में छुआछूत की समस्या और ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र की भी समस्या है। आगे देखिए, प्रमुख पात्र इनके हैं अमरकांत, समरकांत, डॉक्टर शांति कुमार, सुखधा, सकीना, सलीम, नैना। ये क्या हैं, तो कर्मभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन से, तो अमरकांत, समरकांत, डॉक्टर शांति कुमार, सुखदा, सकीना, सलीम, नैना। ये क्या हैं, तो कर्मभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अब यहाँ देखिए, अमरकांत जो है वह समरकांत का पुत्र होता है, परंतु वह ऐसी जिंदगी यानी साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है, यानी बिल्कुल गांधी जी की तरह जीना पसंद करता है। अब यहाँ सकीना जो थी वह अमरकांत की प्रेमिका थी, और सुखदा अमरकांत की पत्नी थी, और नैना अमरकांत की बहन थी, और समरकांत नाम से ही आपको पता चल गया होगा इनके पिता थे। और सलीम कौन थे, तो सलीम जो थे वे अमरकांत के मित्र थे। मित्रों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो कुछ हो बहुत ही कम समय में आपको हर उपन्यास के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं, सबको मैं बता दूं। आगे बढ़ते हैं, इनका अगला उपन्यास है गोदान, जो हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा, गोदान। इसकी मूल समस्या क्या है, तो यह उपन्यास की मूल समस्या है भारतीय किसान की शोषण की समस्या, भारतीय किसान की शोषण की समस्या। दूसरी, जमींदारी प्रथा द्वारा शोषण की समस्या, यानी किनकी शोषण, तो किसानों की शोषण की समस्या। यह उर्दू में मैदाने अमल के नाम से प्रकाशित हुई थी, यानी गोदान को उर्दू में मैदाने अमल के नाम से जाना जाता है। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पात्र होरी, जो भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है, और इसका नाम गोदान इसलिए पड़ा था क्योंकि होरी के बचपन से आशा थी कि वह घर में एक गाय लाए, परंतु उसका सपना रह जाता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो गोदान कराने के लिए भी घर में एक भी पैसा नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए, इसकी पत्नी थी धनिया क्या थी, होरी की पत्नी थी। गोबर होरी का पुत्र था। राय साहब, अमरपाल सिंह, यानी वे क्या थे, तो वे उस गांव के क्या थे, तो उस गांव के जमींदार थे। अन्य पात्र में है पंडित दाता दीन, भोला, मेहता, मालती। मेहता और मालती क्या हैं, तो ये शहरी पात्र हैं, और ये पंडित दाता दीन, भोला, ये सब क्या हैं, ये देहाती पात्र थे, यानी ग्रामीण पात्र थे, और ये सभी होरी के ही गांव में रहते थे। इनका अगला उपन्यास है मंगलसूत्र, यानी मंगलसूत्र जिसके रचना उन्होंने 1936 में लिखना प्रारंभ किए थे, परंतु उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण, यानी प्रेमचंद के अचानक मृत्यु हो जाने के कारण यह उपन्यास अधूरा रह गया था, और इस उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरी की। यानी प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न बनता है मित्रों, कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है, अपूर्ण है, तो वह उपन्यास है मंगलसूत्र। कौन सा, मंगलसूत्र। अब यहाँ हम मानसरोवर को भी देख लेते हैं, तो मानसरोवर हम बता ही दिए थे 8 भागों में प्रकाशित थी। भाग 1 1936 में आया, भाग 2 भी 1936 में आया, भाग 3 1938 में आया, भाग 4 1939 में प्रकाशित हुआ नहीं आया, भाग 5 1946 में आया, भाग 6 1946 में आया, भाग 7 1947 में आया, और भाग 8 कितना में आया,
तो 1950 में आया। इसको याद कर लीजिएगा, कैसे याद कीजिएगा, 36, 38, 39, 46, 46, 47, 50। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। यहाँ देखिए, दो बेलों की कथा, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, दूध का दाम, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, मुक्ति मार, ये सब क्या हैं, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, दो बेलों की कथा, आपको पता है ना, दो बेलों की कथा, हीरा और मोती, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, वंशीधर साहब, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, दूध का दाम, पूस की रात, मुक्ति मार्ग, ईदगाह, खुदाई फौजदार, शतरंज का खिलाड़ी, परीक्षा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कफन, सावा शेर गेहूँ, सदगति, ईश्वरीय न्याय, घास वाली, ये सब क्या हैं, तो प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी है। एक बार फिर से देख लेते हैं सभी कहानी को, दो बेलों की कथा, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, दूध का दाम, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, मुक्ति मार्ग, ईदगाह, खुदाई फौजदार, शतरंज का खिलाड़ी, परीक्षा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कफन, सवा शेर गेहूँ, सदगति, हार की जीत, ईश्वरीय न्याय, घास वाली, ये सब क्या हैं, तो प्रेमचंद के प्रमुख कहानी है। अब आगे देखते हैं प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यहाँ पहला देखिए, पहला है कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही। इनके रचनाकार कौन है? अमृत राय। दूसरा है कलम का मजदूर। इसके रचनाकार कौन है? मदन गोपाल। प्रेमचंद के फटे जूते, इसका रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्न आता है कि कलम का सिपाही किनको कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर किनको कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद को किसने कहा? तो अमृत राय ने कहा। कलम का मजदूर प्रेमचंद को किसने कहा? तो मदन गोपाल ने कहा। प्रेमचंद के फटे जूते किनकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है। मित्रों, मैं इस क्लास में प्रेमचंद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेमचंद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके पास चले गए होंगे। अगर आपको किन्हीं को पीडीएफ की ज़रूरत होगी, यानी जो क्लास अभी हम किए हैं उस क्लास की पीडीएफ की किन्हीं को ज़रूरत होगी, तो वे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देंगे और मैं आपको पीडीएफ फ्री में दूंगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और चैनल को आपसे फिर से आपसे आग्रह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।